सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के शुरू में आपको फोन के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको आप यूज करके आप बहुत ही आसानी से इंटरनेट स्पीड को डबल कर सकते हो, यानी आप अपने फोन के इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, काफी सारे लोगों ने कॉमेंट किया था, पूछा था कि हम कैसे इंटरनेट स्पीड को बढ़ाएं, हमारा जो इंटरनेट है वो काफी स्लो चलता है, हमें बिल्कुल भी इंटरनेट स्पीड नहीं मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको जिन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, ट्रिक्स बताने वाला हूं, इनको आप यूज करके दोस्तों आप 1.5 से 2 Mbps का स्पीड बहुत ही आसानी से पा सकते हो। चाहे आप किसी भी एरिया में रहते हो, सिर्फ आपको अपने फोन में कुछ सेटिंग कर रहे हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना है, दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने इंटरनेट स्पीड को बढ़ा पाओगे। चाहे आप किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो या सिम कार्ड यूज करते हो, सिर्फ आपको अपने फोन में सेटिंग्स करने होंगे, ट्रिक्स को यूज करने हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हो। सिर्फ आपको अपने फोन में 3 सेटिंग करना है, सिर्फ आपको 3 ट्रिक यूज करना है, ठीक है? आपको सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है, फोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा पर क्लिक करना है, ठीक है? इसके बाद आपको अपना सिम कार्ड सेलेक्ट करना है जिससे आप इंटरनेट को यूज करते हो। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का। दोस्तों, आपको कोई भी APN क्रिएट नहीं करना है, ठीक है? आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर आपका APN मिल जाएगा, ठीक है? आपको नया APN क्रिएट नहीं करना है। इसके बाद आपको 2 डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है? आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट एक्सेस पॉइंट, आपको APN को रीसेट कर देना है, ठीक है? इससे दोस्तों आपका जो APN है वो रीसेट हो जाएगा और दोस्तों काफी अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है? इस तरह आपको APN सेटिंग को रीसेट कर देना है। ओके, ये रहा पहला ट्रिक, आपको ये काम करना है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीसेट का, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसमें आपको काफी सारे सेटिंग्स मिलेंगे, ठीक है? आपको फर्स्ट नंबर पर एक सेटिंग मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग, ठीक है? क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे फोन का जो सेटिंग है वो खराब हो जाता है, नेटवर्क खराब हो जाता है, ठीक है? तो सिंपली आपको यहां से रीसेट नेटवर्क सेटिंग को सर्च करना है और रीसेट वाईफाई कर देना है, ब्लूटूथ एंड मोबाइल नेटवर्क सेटिंग, इन सबको रीसेट कर देना है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों इनकी वजह से भी हमारा जो इंटरनेट है वो काफी स्लो चलता है, तो सिंपली आपको यहां से रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर देना है। ओके दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करके नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर दोगे, आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगा, काफी अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है? सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने फोन का पासवर्ड डालना है और दोस्तों आपका जो नेटवर्क सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा, ब्लूटूथ रीसेट हो जाएगा, वाईफाई रीसेट हो जाएगा, ठीक है? ये काम आपको अपने फोन में करना है। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली। दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे फोन का जो सेटिंग है वो खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे फोन में क्या ऑन हो चुका है, क्या ऑन नहीं हुआ है। कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जो अनजाने में हमसे ऑन हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि आखिर वो सेटिंग कहां पर है जो ऑन हुआ है या जो ऑफ हुआ है। तो सिंपली आपको यहां से रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली कर देना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके फोन का जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा, पहले की तरह ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपके जितने भी सेटिंग है वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो इंटरनेट है वो पहले अच्छा चल रहा होता है, बाद में कोई ऐसा सेटिंग ऑन हो जाता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है और हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है। तो सिंपली आपको यहां से सेटिंग को रीसेट कर देना है और दोस्तों आपका जो सेटिंग है वो पहले की तरह ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है? अब आपको लास्ट एक काम करना है, ठीक है? आपको एक चीज चेक करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट फोन, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है? यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड का, आपको इस पर क्लिक करना है, सिम कार्ड स्टेटस पर। अब आपको यहां पर सिग्नल स्ट्रेंथ मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप पता कर सकते हो कि आपका जो इंटरनेट है वो अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। यहां पर आप देख सकते हो DBM शो हो रहा है, ठीक है? -87 DBM। दोस्तों इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं।
ये जो आप डीबीएम देख रहे हो, ठीक है, अगर दोस्तों आपके फोन में ये जो डीबीएम है ये ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों आप अपने फोन में इंटरनेट अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, आपको इंटरनेट स्पीड नहीं मिलेगा। जितना कम डीबीएम रहेगा दोस्तों आपका जो इंटरनेट है उतना अच्छा चलेगा, आप उतने अच्छे से बात कर पाओगे। मान लो कि अगर आपके फोन में -100 dBm है, -110 dBm है, तो दोस्तों सिग्नल क्वालिटी काफी पुअर है, ठीक है। अगर यही डीबीएम -60 है, -70 है, तो दोस्तों वो जो सिग्नल है, नेटवर्क है, वो काफी अच्छा माना जाता है। जितना कम डीबीएम रहेगा दोस्तों आप उतने अच्छे से इंटरनेट को यूज कर पाओगे, आपको इस चीज को चेक करना है, ठीक है। जहां भी ये डीबीएम कम रहे आप उस जगह पर इंटरनेट को यूज कर सकते हो, दोस्तों आपका इंटरनेट काफी अच्छे से चलेगा। अगर यही डीबीएम ज्यादा है तो दोस्तों आपका इंटरनेट कभी भी अच्छा नहीं चलेगा, आप अपने फोन में अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर आपका जो डीबीएम है वो -60 से 80 तक है, तो दोस्तों आपका जो सिग्नल क्वालिटी है वो अच्छा है, ठीक है। अगर 80 से 100 के बीच में है तो दोस्तों उसको आप गुड बोल सकते हो, ठीक है, बेस्ट नहीं बोल सकते हो। अगर यही सिग्नल क्वालिटी 100 से ऊपर है, -100 dBm, -110 dBm, 120 dBm, तो दोस्तों सिग्नल की जो क्वालिटी है वो पुअर है, वो खराब है, ठीक है। तो दोस्तों जितना कम डीबीएम रहेगा उतना अच्छा आप अपने फोन में इंटरनेट को यूज कर पाओगे। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर इसका सलूशन क्या है, कैसे हम इसको ठीक करें। तो दोस्तों आपको वही सिम कार्ड यूज करना है जिसका डीबीएम आपके एरिया में कम हो, ठीक है। आपको एक एक करके सभी सिम कार्ड को लगाना है और चेक करना है, देखना है कि किसका डीबीएम कम है, ठीक है। जिसका डीबीएम -60 से 70 हो या 80 हो, आपको उसी सिम कार्ड को यूज करना है। और दोस्तों उसी सिम कार्ड से आप अच्छा इंटरनेट यूज कर सकते हो, अच्छे से कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। जिसका डीबीएम ज्यादा होगा, -100 होगा, -110 120 होगा, दोस्तों उससे कभी भी अच्छा इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है। उससे अच्छा इंटरनेट नहीं चलेगा, उससे ना आप अच्छे से कॉलिंग कर पाओगे। आपको इस चीज को इस तरह चेक करना है। दोस्तों आपको सिर्फ इतना काम करना है और आप अपने इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हो, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।